not really. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज का जो चैप्टर हमारा है उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे, उसके अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे, उसके प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में मैंने व्यवहारवाद से संबंधित समस्त तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके अंतर्गत व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके मूल मान्यताएं और उन मूल मान्यताओं की आलोचना का विशेष रूप से जिक्र किया है। उसकी चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण, तमाम सारे तथ्यों का मैंने विधिवत आप तक संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको वो तथ्य हितकर लगे होंगे, ज्ञानवर्धक लगे होंगे और आपके जीवन उपयोगी में सहायक सिद्ध करेंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की। जब हम व्यवहारवाद को पूर्ण रूप से जान चुके हैं तो हम अब उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत देखा गया है कि पोस्ट मॉडर्न, जिसे कहा गया है कि 1945 के बाद जो क्रांति आई थी उसको व्यवहारवाद का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद जब मॉडर्न उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा हम करते हैं, जब उसमें आधुनिकीकरण होता है तो उसको उत्तर व्यवहारवाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके प्रमुख तत्व तो कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी हेतु मैं आपको इस क्लास के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं और आप सबको एक नए नए तथ्यों की जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता है, कह कर रहा है कि वैज्ञानिकता के तत्व को या क्या करना चाहता है, शिथिल करना नहीं चाहता, अर्थात निरंतर प्रगतिशील बनाए रखने का प्रयास करता है, ये निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, बल्कि वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। ये प्रयास सदैव करता है कि इसमें जो है कहीं शिथिलतापन ना आए, कहीं पर रुकावट ना हो, निरंतर इसमें प्रगति की स्थिति बनी रहे और निरंतर ये कार्यरत रहे, निरंतर प्रगतिशील रहे, जिससे कि उत्तर व्यवहारवाद अपने क्षेत्र को निरंतर विकसित करता जाए। आगे हम देखते हैं कि डेविड स्टर्न जैसे विचारक मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया है। अर्थात इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्रांति उस व्यवहारवाद का नाम है, उस उत्तर व्यवहारवाद का क्रांति ये क्रांति का विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान की वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात वो इसका विरोध करती है। इसे हम एक रूप में देख सकते हैं कि ये परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का सदैव प्रयास किया है, अर्थात ये निरंतर कहा गया है कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद ने सदैव ये प्रयास किया है कि ये परिशुद्ध यानी शुद्ध रूप से इसे विज्ञान का दर्जा प्रदान किया जाए, शुद्ध रूप से इसे विज्ञान की मान्यता प्रदान की जाए। तो ये एक तथ्य के रूप में सामने आता है, उजागर होता है। आइए आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का जो न्यू मॉडल है उत्तर व्यवहारवाद, वो व्यवहारवाद के बाद का जो कदम है वो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेणी में उसको रखा गया है, सम्मिलित किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, यह एक सुधार आंदोलन
तथा नवीन दिशा संकेत करता है। किसकी तरफ इशारा करता है? सुधार आंदोलन की तरफ। आंदोलन के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है उसकी तरफ इशारा करता है। और नवीन दिशा में इसका क्या उदाहरण हुआ है, नवीन क्षेत्र में इसकी क्या प्रासंगिकता है, उन सब के तथ्यों का अध्ययन करता है। अगर हम विस्तार से करना चाहें तो देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला तो है वो है कर्म, कर्म के आधार पर निश्चित किया जाता है, और दूसरा है प्रासंगिकता, यानी दूसरा प्रासंगिकता के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कितना महत्वपूर्ण, उसका कितना महत्व है, उसका कर्म क्या है। ये सारे तथ्य इसमें समाहित हैं। इन सब की चर्चा हम उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद से जुड़े हुए और कौन से तथ्य हैं जिनकी जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का जिक्र किया है। कितनी मान्यताओं का? 7 मान्यताएं को बताने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। प्राविधि से पूर्व सार। पहली मान्यता है प्राविधि से पूर्व सार। पूर्व सार दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय के विश्वसनीय समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। निदान की आवश्यकता। चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। पांचवां है बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों भूमिका। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान।
और सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। सातवां के रूप में देखा गया है। व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो इन रूपों में डेविड स्टर्न के अनुसार सात मूल मान्यताएं हैं जिसकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, डेविड स्टर्न ने यह सदैव प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि उत्तर व्यवहारवाद की सात मान्यताएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली मान्यता है प्राविधि से पूर्व का सार। प्राविधि से पूर्व के सार की बात की गई है, शुरुआत से पहले क्या उसका आधार था उसकी चर्चा की गई है। और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया है, जो समाज में सोशल चेंजमेंट आता है उस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है, ज्यादा जोर देने का प्रयास किया है। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, अर्थात जो समस्या समाज में उत्पन्न हो रही है उनको किस प्रकार से निदान करने की आवश्यकता है और उस पर कितना विश्वास होना चाहिए, यह इन्होंने सुनिश्चित किया है। चौथे आधार पर कह सकते हैं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई, कि मूल्य जो हैं उनकी क्या भूमिका है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवे रूप में कह सकते हैं बुद्धिजीवियों की भूमिका, अर्थात बुद्धिजीवी लोग जो हैं उनकी क्या प्रमुख भूमिका है, उनका क्या प्रमुख उद्देश्य है, इसकी चर्चा की गई है। और छठे पे देखा जाता है कर्मनिष्ठ विज्ञान, यानी कर्मनिष्ठ के आधार पर विज्ञान को प्रदर्शित किया गया है, विज्ञान को कर्म के आधार पर रखा गया है, उसकी तरफ देखने के लिए कहा गया, निश्चित किया गया कि कर्म ही सब कुछ है। और सातवें रूप में दिखाया गया कि व्यवसाय का राजनीतिकरण किया है, क्या किया गया है, व्यवसाय को राजनीतिकरण किया गया है, जिसके आधार पर डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की सात मूल मान्यताओं का जिक्र किया है, उसकी चर्चा की है। तो आज हमने आपको इस क्लास के माध्यम से उत्तर व्यवहारवाद और उसकी मूल मान्यताओं का जिक्र किया है, हमने इससे आपको अवगत कराया है, आपको नई नई जानकारियां प्रदान की है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। अगली क्लास में फिर मैं नए तथ्यों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.